बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसर एंड प्रोग्रामिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की जानब से मैं हूं आपका होस्ट नासर बशीर। और आज के लेसन में आप सीखेंगे एचटीएमएल हेड एलिमेंट के बारे में। एक होता है हेडिंग और एक होता है एचटीएमएल हेड एलिमेंट, और इन दोनों में डिफरेंस है। हेडिंग को आप पता है कि H1, H2, H3 यानी कि वो यूज़ करने के लिए हम हेडिंग का टैग यूज़ करते हैं, और हेड का टैग बॉडी से पहले यूज़ होता है। और इसमें क्या होता है हमारे पास मेटा डाटा है, और मेटा डाटा क्या होता है यानी कि डाटा अबाउट डाटा। और इसमें HTML का जो मेटा डाटा होता है उसमें यानी कि उसके डॉक्यूमेंट में सारा HTML के मतलब डाटा यानी कि मौजूद होता है। और ये जो इसमें बेसिक इसका मकसद जो है मेटा डाटा का डिफाइन करने का, तो वो होता है कि आप टाइटल डिफाइन कर रहे हैं, स्टाइल, लिंक, टिप्स और अदर यानी कि मेटा इंफॉर्मेशन के लिए इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए टैग कौन कौन से होते हैं, टाइटल, स्टाइल, मेटा, लिंक, स्क्रिप्ट एंड बेस। तो ये होते हैं यानी कि एचटीएमएल हेड एलिमेंट के अंदर जो एलिमेंट हम प्लेस करते हैं। तो इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं कि इसके एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और उसमें हम एचटीएमएल फाइल को भी सीखेंगे, उसमें हम कुछ चीज़ें ओमिट कर देते हैं यानी कि रिमूव कर दो कह रहे कि यानी कि वो लिस्ट पे नहीं है, लेकिन फिर भी वो रन हो जाती है। उसके लिए मैं बल्कि ड्रीम ग्रुप हो जाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास ड्रीम ग्रुप ओपन हो गया है। इसमें हम एक HTML का डॉक्यूमेंट लेते हैं, इसको क्लिक करने से HTML का डॉक्यूमेंट हमारे पास बन के आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास एक ब्लॉग का एक डिक्लेयर होनी चाहिए, और दूसरा इसमें HTML का टैग होना चाहिए, ठीक है। ये एक सिंपल एग्जांपल कह लें, इसका नाम रखते हैं head.html, ठीक है। और इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ, इसका टाइटल भी चेंज करते हैं, चेंज हेड रखते हैं। तो इसमें क्या होता है हमारे पास कि हम मैंने बताया कि आप टैग ऐसे हैं जिनको हम ओमिट कर दें, उसके बगैर भी क्या होता है हमारा पेज है या जो हमारा HTML डॉक्यूमेंट है वो बिल्कुल सही रन होगा, क्योंकि ये HTML5 स्टैंडर्ड के मुताबिक सही है कि वो जैसे ही जो टैग भी बॉडी से पहले आएंगे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे हेड के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। तो इसमें HTML5 में ये होता है कि हम बॉडी का टैग और हेड का टैग ओमिट कर सकते हैं, इसका मतलब है कि आप उनको ना लिखें उनके बगैर पेज रन हो जाएगा। उसके लिए ये हमारे पास एक हेड का एलिमेंट उसने लिया हुआ है, इसको हम रिमूव कर देते हैं, ठीक है। और इसको भी रिमूव कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। और मेटा भी इस समय इस एग्जांपल में नहीं चाहिए, हमें ये भी रिमूव करते हैं। तो इसमें एग्जांपल में आप देखें कि इसमें जस्ट एक मैंने क्या किया, टाइटल लिया हुआ है और बॉडी का टैग स्टार्ट हो रहा है, बल्कि अगर हम बॉडी को भी रिमूव कर दें तो उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं लेता हूँ एक हेडिंग ले लें, हेडिंग में कुछ लेंगे जिसमें हेडिंग, और इसके बाद एक आप पैराग्राफ ले लें कि आप पैराग्राफ, ठीक है जी, और इसको क्लोज कर दें। तो ये इसमें हमें ना हेड का टैग लिया हुआ है और ना ही बॉडी का टैग लिया हुआ है, लेकिन ये फिर भी ब्राउज़र में क्या करेगा, बिल्कुल सही डिस्प्ले होगा। रन करते हैं, मैं F12 प्रेस करता हूँ, तो ये देखिए हमारे पास हेडिंग और पैराग्राफ एज इट इज़ आ गए हैं, या हालांकि हमने इसमें जस्ट क्या लिया है, HTML का टैग लिया है और बॉडी और टाइटल के टैग को रिमूव कर दिया है, ठीक है। उसके बगैर भी हमारे पास ये ठीक रन हो रहा है। तो मज़ीद इसमें हम ये तो एग्जांपल हो गई, तो इसके अलावा हम जब अच्छे अपना HTML का यानी कि एलिमेंट स्टार्ट करते हैं कोई भी,
उसके अंदर हम अपनी लैंग्वेज को डिक्लेयर करते हैं कि इस यानी डॉक्यूमेंट में हमारी कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा ये होता है हमें कि जैसे कि हमें ये HTML है, इसके अंदर हम क्या लिख सकते हैं कि लैंग्वेज की लैंग लिखते हैं, तो उसके अंदर हम कुछ भी यानी कि जो हमारी डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज होगी वो हम लिख देंगे। इससे इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि एक तो ये एक्सेसिबिलिटी एप्लीकेशन होगी, स्क्रीन रीडर के लिए फ़ायदेमंद होगी, ठीक है। दूसरा ये होगा कि इसमें सर्च इंजन जो होते हैं उनको उनको पता ये पता चलेगा कि ये पेज जो कि सर्च हो रहा है वो कौन सी लैंग्वेज में है, ठीक है। तो जो लैंग्वेज लिख के आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वो ये पेज जल्दी एक्सेस करेगा जो लैंग्वेज आपने इसमें डिफाइन की हुई होगी, ठीक है। तो इसकी हिसाब से भी यानी कि ये फ़ायदेमंद है। और दूसरा ये है कि जो बॉडी और हेड का HTML और बॉडी यानी कि ये है, इसको हम अगर रिमूव कर दें तो क्या होगा हमारे पास, तो DOM या XML जो यानी कि सॉफ्टवेयर हैं जिस उनसे यानी कि बने हुए वो क्रैश हो जाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। इसलिए जो बॉडी का टैग जब हम अमिट कर देते हैं तो हमारे पास जो पुराने ओल्डर ब्राउज़र हैं उनमें क्या होता है, एरर्स डिस्प्ले होंगे, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर 9 है, इसमें क्या होगा, एरर शो होंगे क्योंकि हमने बॉडी का टैग उसके अंदर ऐड नहीं किया होगा, ठीक है। तो ये था हेड एंड बॉडी का टैग हमने क्या किया, इसको यानी कि रिमूव किया। अब अगर जस्ट हेड की बात हम करेंगे तो इसमें ब्राउज़र जो होता है, ठीक है, जैसे मैंने पहले बताया वो बॉडी के टैग से पहले जितने भी टैग आएंगे उनको ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, हेड के टैग में एंटर कर देगा, ठीक है। तो इसलिए इसमें HTML 5 में इसमें हमने यानी कि डेवलपर की आसानी के लिए ये किया है कि आप हेड का टैग बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके पहले वैसे ही यानी कि कुछ जो आप हेड के यानी कि टैग में लिखते हैं वैसे लिख देंगे तो वो भी क्या होगा, पेज बिल्कुल सही रन होगा, ठीक है। तो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, इसमें कंट्रोल एन करता हूँ, HTML का डॉक्यूमेंट HTML सेलेक्ट है, ठीक है। और जैसे हम डॉक टाइप HTML फाइल कर देते हैं, ठीक है, और क्रिएट करते हैं, ये हमारे पास HTML 5 का एक डॉक्यूमेंट आ गया है, ठीक है। इसका नाम रख लें हेड 2 और इसको डेस्कटॉप पे सेव कर दें head2.html, ठीक है जी। और इसको मैं करता हूँ डेस्कटॉप पे सेव कर देता हूँ, तो ये हमारे पास सेव हो गया है। तो ये हम अभी इसमें एग्जांपल क्या रहे थे कि हम अगर हेड का टैग रिमूव कर दें तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो अब हम नई एग्जांपल में क्या करेंगे, वही अगर आप पीछे वाला कोड देखेंगे और से उसमें जो हमने यूज़ किया है, इसमें क्या किया है, एक टाइटल लिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा क्या है, पैराग्राफ हेडिंग और पैराग्राफ लिए हुए हैं, तो सेम इसकी एग्जांपल भी यही होती है जी। तो हेड एंड बॉडी अमिट करने का आपने देख लिया था एग्जांपल में, हमने इसको रिमूव किया उसके बगैर हमारा पेज ठीक रन हो रहा था। अब हमें नेक्स्ट जो एग्जांपल लेने गए थे वो थे टाइटल की, क्योंकि टाइटल के लिए हम ये एग्जांपल लिए हेड, उसका नाम रख दिया हेड टू। तो उसमें के टाइटल अगर हम रिमूव कर दें उसमें से तो हमारे पास क्या होगा, ठीक है। तो टाइटल का ये है हमारे पास कि ये वैसे देख रहा हूँ कि करता क्या है, क्योंकि टाइटल में जो एवरी यानी वेब पेज है जो भी है HTML का है या HTML का है डॉक्यूमेंट, उसमें टाइटल क्या है, रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड क्यों है जी, टाइटल एलिमेंट के ये एक तो डिफाइन यानी कि ब्राउज़र की टैब होती है उसमें क्या डिफाइन करता है, एक स्पेसिफिक आप अगर ब्राउज़र में देखें तो नाम आ रहा होता है, ठीक है, जैसे कि ये देखें ऊपर हेड लिखा हुआ नाम आ रहा है, तो ये क्या करता है, पहली बात ये है कि ब्राउज़र की जो टैब होगी उसके ऊपर एक यानी कि ये टाइटल सा आ रहा होगा, तो ये इसमें डिस्प्ले होगा, ठीक है। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है कि इसमें अगर आप किसी भी पेज को फेवरेट में ऐड करना चाहते हैं तो वहाँ भी क्या यूज़ होता है, टाइटल यूज़ होता है, उसका नाम बाय डिफ़ॉल्ट टाइटल आ रहा होता है, जो टाइटल हम दिया था पेज का वो आ रहा होता है, ठीक है। अगर डन करेंगे तो टाइटल के नाम से हमारे पास क्या होगा, बुकमार्क हो जाएगा या
ये कह लेंगे फेवरेट्स में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह इसके हमें फ़ायदेमंद है हमारे पास। और इसके अलावा सेट जब हम करते हैं सेटिंग या रिजल्ट में भी ये हमारे पास टाइटल का एलिमेंट यूज़ होता है और फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। इसलिए SEO पर्पज के लिए भी हम टाइटल को यूज़ करते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में आप देखेंगे अगर पेज रन करें इसका टाइटल क्या आएगा हमारे पास, तो इसका टाइटल हेड टू आ रहा है। तो हमने इसमें टाइटल के अंदर हेड टू लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह ये टाइटल की एग्जांपल थी। तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं HTML स्टाइल के बारे में थोड़ा।